नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे नाभि के विषय में बात करूँगी कि नाभि अपनी जगह से क्यों टल जाती है और जब नाभि टल जाती है तो उसके क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो नाभि या धरण जब अपनी जगह पर रहती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जब वो अपनी जगह से हट जाती है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। नाभि या धरण अपनी जगह से खिसकने का मेन कारण होता है पाचन। जब हमारा पाचन खराब होता है तो नाभि अपनी जगह से हट जाती है, क्योंकि जब पाचन खराब होता है तो गैस बनती है और गैस जब पेट के अंदर ज़्यादा इकट्ठी होने लग जाती है तो नाभि अपनी जगह से डिगनी शुरू हो जाती है। कई बार अधिक वजन उठाने से भी नाभि अपनी जगह से डिग जाती है और कई बार अधिक वजन खिसकाने से भी नाभि अपनी जगह से हट जाती है। और जब नाभि या धरण अपनी जगह से हट जाती है तो उसकी धड़कन नाभि के कभी ऊपर सुनाई देती है, कभी नीचे सुनाई देती है, कभी दाएं सुनती है और कभी बाएं सुनती है। जब नाभि नीचे की ओर खिसकती है तो लूज मोशन होने लग जाते हैं। जब नाभि ऊपर की ओर हटती है तो कब्ज रहने लगता है। जब नाभि दाएं या बाएं ओर खिसकती है तो उस वक्त मानसिक परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति इमोशनली रूप से परेशान रहने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जो डिगी हुई नाभि को अपनी जगह पर वापस ले आएंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से योगासन हैं। तो सबसे पहले करते हैं उत्तानपाद आसन। तो उत्तानपाद आसन करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ अपने बराबर में रखने हैं, हथेलियों का रुख जमीन की ओर रखना है और दोनों पैर मिलाकर रखने हैं। फिर उसके बाद अपने आसन को स्टार्ट करेंगे तो गहरा सांस भरेंगे और सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएंगे और पंजा बाहर की ओर खींचा रहना चाहिए और क्षमता के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को 4 से 5 बार करना जरूरी है। उत्तानपाद आसन को करने से गैस कम होने लगती है, कब्ज की शिकायत दूर होने लगती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जो नाभि अपनी जगह से टल गई है वो धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आने लगती है। अब करेंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए गहरा सांस भरेंगे और फिर अपर पोर्शन को उठाएंगे और अपर पोर्शन को उठाने के साथ साथ अपने लोअर पोर्शन को भी उठाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार रुके रहेंगे और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। इस आसन को भी आप 4 से 5 बार रोजाना करेंगे तो डिगी हुई नाभि अपनी जगह पर आने लगती है। नौकासन भी जब नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो उस वक्त नौकासन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जब हम दोनों साइड से अपने पोर्शन को उठाते हैं तो नाभि सेंटर में आने लग जाती है। अब करेंगे मर्कट आसन। मर्कटासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को रखेंगे सिर के नीचे और अपने पैरों को मोड़ लेंगे और पैरों के बीच में रखेंगे 1 से 1.5 फीट का फासला। अब गहरा सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड गर्दन रहेगी और राइट साइड घुटने हम ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हमारा घुटना तलवे से छू जाए। कुछ देर रुकेंगे क्षमता के अनुसार और फिर धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापिस आएंगे। अब इसी को हमें दूसरी साइड पर दिखाना है तो गहरा सांस भरेंगे, सांस भरते हुए राइट साइड गर्दन रहेगी और लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपका घुटना तलवे से छू जाए और क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। मर्कट आसन पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे भी पेट की गैस कम होने लगती है, कब्ज की शिकायत दूर होने लगती है और जो नाभि अपनी जगह से हट गई है वो वापस सेंटर में आने लग जाती है। अब एक चौथा आसन करेंगे जो है धनुरासन। धनुरासन के लिए हमें पेट के बल आना है और धनुरासन भुजंगासन और शलभासन का एक योग है, मिला करके एक आसन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं धनुरासन कैसे करेंगे। गहरा सांस भरेंगे और अपने पैरों को मोड़ देंगे और पकड़ेंगे अपने पैरों को, टखनों को पकड़ेंगे
और उठा देंगे अपने शरीर को आगे और पीछे से एक साथ, धनुष जैसी स्थिति बनानी है, धनुष जैसी क्षमता के अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापस आएंगे। धनुरासन बहुत अच्छा आसन है, ये कमर दर्द और पेट के रोगों में बहुत लाभकारी है। जब हम धनुरासन करते हैं तो टली हुई नाभि अपनी जगह पे वापस आने लग जाती है। जितने भी योगासन आज मैंने आपको बताए हैं, अगर इन योगासनों को 3 महीने तक लगातार आप करते रहेंगे तो जो नाभि बार बार अपनी जगह से हट जाती थी वो परमानेंट एक जगह पर सेट हो जाएगी और उसके बाद कभी नहीं हिलेगी। तो अब बारी है आज के टिप्स की। तो नाभि अपनी जगह से जब हट जाती है तो उसको सेंटर में लाने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा सा छोटा सा टिप्स बताऊंगी। इसके लिए हमें एक नींबू चाहिए और सुहागा चाहिए। तो देखते हैं उसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें एक पीला पका हुआ नींबू चाहिए और 5 ग्राम सुहागा चाहिए। सुहागा आप सभी जानते होंगे, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो सुहागे को तवे के ऊपर फुलाकर शहद के साथ बच्चों के मसूड़ों पर मला जाता है। ये वही सुहागा है। इस सुहागे को हमें नींबू के ऊपर डाल करके चाटना है। तो नींबू के 4 टुकड़े कर लें और उसके ऊपर सुहागा बुरक दें और उसको गैस के ऊपर हल्का सा, जिधर उसकी स्किन होती है नींबू की, उधर से गर्म कर लें और फिर उसको चूसें। ऐसा करने से नाभि अपनी जगह पर आने लग जाती है। ये उपाय दिन में कम से कम हमें एक बार तो ज़रूर करना है। अब चूंकि रोज़ाना हमें नींबू के ऊपर सुहागा डाल करके खाना है तो इसके लिए 20 से 25 ग्राम सुहागा तवे पर एक साथ फुला करके और उसका पाउडर बना के शीशी में रख लें और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आपको आसानी होगी। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।